हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज हम हैं तनु शर्मा के साथ। तनु शर्मा जिसने यूपी कैटेट के अंदर ओवरऑल रैंक वन स्कोर किया है। तो मैंने जैसे रिजल्ट आया तो मैंने तनु को फोन किया और मैंने तनु से पूछा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, एक ऐसी वीडियो जहां पे आप बताएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने तनु को स्पेसिफिकली ये भी कहा कि आपको कुछ जिक्र नहीं करना, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, कुछ और सेशन अटेंड करे हैं, आपको सिंपली ये बताना है कि क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी, उनका रिवीजन कैसे किया, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को कैसे कैसे पढ़ा, ताकि एक वो बच्चा जो कोचिंग ले रहा है और चाहे नहीं ले रहा बट उसे स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि यूपी कैटेट में अगर तनु नंबर वन ले सकती है, वन रैंक पे आ सकती है, तो ऑब्वियसली हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू तनु। थैंक यू सो मच। ओके तनु, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। सो मायसेल्फ तनु शर्मा एंड आई स्टडीड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मोदीपुरम। ओके, आपने ग्रेजुएशन और ईयर बताएंगे कब से कब तक आपने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन? सर 2018 से 2022। ओके, मतलब कोरोना टाइम बीच में आ गया। मैंने इसलिए पूछा बिकॉज कोरोना टाइम वाज द टाइम जब हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए, तो बीएससी एजी वाले जो बच्चे उनका बेस उतना अच्छे से मजबूत नहीं हो पाया। ओके ठीक है तनु, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बातें जाननी है कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे रिवाइज किया और आपका यूपी कैटेट के अंदर नंबर वन रैंक जो आपने लिया है इसके पीछे बेसिक स्ट्रेटेजी क्या थी। सो मैंने सबसे पहले अपनी बेसिक बुक से स्टार्ट करी है। सबसे पहले नेमराज सुंडा से स्टार्ट किया है जिसमें सिर्फ बेसिक फैक्ट्स हैं, उन पे थोड़ा गो थ्रू किया है और जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैंने उन पे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे फोकस ज्यादा किया है बिकॉज मेन पोर्शन जितना भी यूपी कैटेट में आता है वो मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट से आता है, ज्यादातर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। तो मैंने मेन फोकस अपना इन्हीं पे दिया था, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे। और बाकी मैंने उसके बाद अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 and 2 एंड देन एसआर कांतवा बुक ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करे हैं। और बाकी जितना भी मुझे कॉन्सेप्चुअल्स वगैरह में प्रॉब्लम होती थी मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जितने भी मतलब जिस भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मैं ऑनलाइन सेशंस देखती थी। ओके तनु, आपने कहा कि जहां पे कॉन्सेप्ट में डाउट था आपने ऑनलाइन सेशन अटेंड किए और उसके बाद आपने बुक्स आपने नाम जो लिया मोस्टली बुक्स हुआ जो वन लाइनर फॉर्म में है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स है। अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये मानना भी होता है कि एग्जाम जब अप्रोच कर रहे हैं नियर बाय है उस टाइम पे वन लाइनर या एमसीक्यूज पढ़ लिए जाए उससे क्वालिफाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है या दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है? सर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कोई भी एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव उसके नियर बाय अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर आप एक पर्टिकुलर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव से अप्रोच कर रहे हो तो उसपे आप अगर उससे अलग टॉपिक होगा तो वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है एंड ऑब्वियसली ऐसा है भी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ऑब्जेक्टिव आप नहीं भी पढ़ पाए तो शायद एग्जाम में आएगा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो सेम ऑब्जेक्टिव आएगा तो हैंडल कर पाएंगे, कुछ चेंज हो गया तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपने मेंशन किया जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक के चीफ, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का जो पोर्शन है वो मेजर होता है उसके अंदर। आपको ये बात कैसे पता, आपने एग्जाम से पहले क्या पैटर्न को स्टडी किया हुआ है या फिर आपको पैटर्न पहले से पता था इसका? हाँ सर, मैंने प्रीवियस वीडियोस देखे थे, बाकी अपने सीनियर से कंसल्ट किया था जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं काफी सारे, तो उनसे ही हेल्प ली है और मैं उन्हें थैंक भी करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ये आज मुझे सक्सेस मिली है। ऑब्वियसली है ना, हमारी सक्सेस जो होती है उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बट अल्टीमेटली वो स्टूडेंट की हार्ड वर्क या फिर स्टूडेंट की मेहनत होती है जो उसे अल्टीमेटली रिजल्ट देती है। ये तैयारी जो है आपने जो भी आपने बताया बुक्स पढ़ी हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं और इवन मैं बाकी लोगों को मैसेज भी देना चाहूंगा, तनु ने नंबर वन रैंक सिक्योर किया है यूपी कैटेट के अंदर जो एमएस एंट्रेंस एग्जाम था। और मैंने ईयर भी तनु से इसीलिए पूछा था कि आप सब लोग भी समझ पाए कि कोरोना टाइम में जब क्लासेस नहीं भी चल रही थी ना तो शायद इस लड़की ने उस क्लासेस को या वो ऑनलाइन को बहाना नहीं बनाया होगा, इसने तब भी स्टडी की होगी। तनु, ये जो यूपी कैटेट वाला सिलसिला था क्या ये ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट हुआ या पहले से माइंड में टारगेट चल रहा था कि मुझे इसकी तैयारी करनी? नहीं सर, मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट करा था
इसका थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन और बाकी साइड टू साइड आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है तनु, आपने एक नया नाम और ले लिया है, आप यूपी कैटेट में नंबर वन है, स्टिल आप सेटिस्फाई नहीं है, आपने आईसीआर जेआरएफ बोल दिया, ऐसा क्यों बोला आपने? सो बिकॉज आईसीआर जेआरएफ ओवरऑल इंडिया का है, उसकी थोड़ी वो है और उसके कॉलेजेस भी थोड़े ज्यादा वो है ओवरऑल इंडिया में, दैट्स व्हाई। ओके, और अगर आप जेआरएफ में जाएंगे तो क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहेंगे? सर एग्रोनॉमी ही तो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब अब जो एग्रोनॉमी से उनको तैयार होना चाहिए कंपटीशन में बढ़ने वाला है उनके लिए। यस सर। ठीक है तनु, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो स्टूडेंट इस टाइम पे फाइनल ईयर के अंदर है या फाइनल ईयर कर चुके हैं, यूपी कैडेट इस बार दिया था दोबारा देना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज आपका, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? सो मैं ये अपने जूनियर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जैसे भी प्रिपरेशन करनी है, बट ये रखिए कि कम पढ़ें, बट उसको ऐसा पढ़ें कि ताकि वो चीज आपको पूरी तरह से याद हो जाए या पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप बाद में उसे ना भूलें, चाहे किसी भी तरह से ट्रिक्स बना के याद करें या किसी भी तरह से करें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने कॉन्सेप्ट बोला ना, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया मैं तो बहुत सारे बच्चों से डील करता हूँ, मैंने अक्सर देखा एग्जाम के नियर बाय बच्चे ज्यादा सीरियस होते हैं, उसके पहले नहीं होता, एग्जाम में अगर 15-20 दिन बचे हैं ना, तब कुछ ऑप्शन नहीं होता कॉन्सेप्ट जैसा, फिर यही ऑप्शन होता है कुछ इंपॉर्टेंट दे दो जिसे पढ़ा जा सके। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ, लेट्स से मेरे पास 6 months है कि आज कोई बच्चा आपकी वीडियो देख रहा है, उसे 6 महीने तक तैयारी करनी है, सो ऑन एन एवरेज से दिन के अंदर कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए? सो मिनिमम तो अगर देखा जाए तो 3-4 hours करती थी मैं स्टार्टिंग में, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, जब एग्जाम्स आ रहे थे उसके टाइम पे मैंने मोस्टली 7-8 स्टार्ट कर दिया था पढ़ना उस टाइम पे, और ऑब्जेक्टिव ज्यादा प्रिपरेशन करी मैंने ऑब्जेक्टिव से एंड टाइम पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट और 3-4 hours आपने शुरुआत से स्टडी किया, और एग्जाम के टाइम से 7-8 hours है ना। और एक चीज मैं भी आपकी बात में ऐड कर दूंगा, आपने 3-4 पढ़ा या 7-8 पढ़ा, बट आपने भी अपने सक्सेस के पीछे एक देखा हुआ जो कंसिस्टेंसी है, कम पढ़ो लेकिन रेगुलरली पढ़ो, यूजली स्टूडेंट भी ऐसा कर जाते हैं कि इंटेंसिटी वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक बार जोश के साथ लगे फिर जोश ठंडा पड़ जाता है, तो बेटर है कि जोश नहीं आना चाहिए, होश में रह के थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ते रहो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, आईसीआर जेआरएफ के लिए जरूरी है ना? जी सर। ओके, ठीक है तनु, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैं इस बार जब यूपीएससी का रिजल्ट देख रहा था तो उसमें जो टॉप स्टूडेंट थे वो भी फीमेल ही थी, एंड अगेन मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की का जिसने नंबर वन रैंक हासिल किया, और लड़की है, और लड़कियां जब नंबर वन पे आती है ना, तो मेरे लिए और सोसाइटी के लड़कों के लिए एक मैसेज हो जाता है कि लड़कियां अगर लिमिटेड रिसोर्स होगी, उस कितना भी हम लोग एडवांस हो जाए, आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो डिस्पैरिटी दिख जाती है मेल और फीमेल के बीच, तो फीमेल अगर आगे आ रही है तो आई होप सो कि बाकी फीमेल जो आने वाली है उनके लिए भी एक मोटिवेशन है, और लड़के जो इस वीडियो को देख डेफिनेटली उनके लिए तो है कि लड़कियां कर सकते हैं तो लड़के क्यों नहीं कर सकते। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू एंड एज वेल एज योर फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स में बच्चे अगर सजेशन लेंगे तो प्लीज आप उनको रिप्लाई कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके तनु, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सर।